नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेनों को लेकर। बिहार उत्तर प्रदेश में इन दिनों नॉन इंटरलॉकिंग का काज किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर मध्य रेलवे के नैनी और प्रयागराज छिमकी के पास के बीच में जो है तीसरी लाइन को लेकर इंटरलॉकिंग का काज किया जा रहा है, जिसके कारण 13 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही साथ कई ट्रेनों के रूट में जो है बदलाव किया गया है। इसको लेकर बोलते हुए जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेनों का आंशिक बदलाव जो है वह किया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि रद्द की गई हैं। 04193, 04194 मेमू प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जो है यह 17/2022 से 28/2022 तक के लिए जो है यह रद्द कर दी गई है। 02396 अजमेर राजेंद्र टर्मिनल एक्सप्रेस 11, 18 और 25 फरवरी को यह ट्रेन रद्द रहेगी। 02395 राजेंद्र टर्मिनल अजमेर एक्सप्रेस जो है वह 9, 16 और 23 फरवरी को रद्द रहेगी। 22806 आनंद विहार टर्मिनल भुवनेश्वर एक्सप्रेस 7, 14, 21 और 28 फरवरी को रद्द रहेगी। 22805 भुवनेश्वर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 5, 12, 19 और 26 फरवरी को रद्द रहेगी। 09447 अहमदाबाद पटना क्लोन एक्सप्रेस यह 23 फरवरी को रद्द रहेगी। 09448 पटना अहमदाबाद क्लोन एक्सप्रेस 25 फरवरी को रद्द रहेगी। 06509 बेंगलोर सिटी दानापुर क्लोन एक्सप्रेस 21 फरवरी को रद्द रहेगी। 06510 बेंगलोर सिटी दानापुर क्लोन एक्सप्रेस 21 फरवरी को रद्द रहेगी। 01665 रानी कमलावती भोपाल अगरतला एक्सप्रेस 24 फरवरी को रद्द रहेगी। 01666 अगरतला रानी कमलापति भोपाल एक्सप्रेस 27 फरवरी को रद्द रहेगी। 12389 गया MGR चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस 13, 20 और 27 फरवरी को रद्द रहेगी। 12390 MGR चेन्नई सेंट्रल गया एक्सप्रेस 15, 22 फरवरी को एवं 1 मार्च को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों को नियंत्रित किया गया है। तो जो ट्रेनें नियंत्रित करके चलाई गई है उसमें दिनांक 6, 13, 20 एवं 27 फरवरी को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली 12546 लोकमान्य तिलक टर्मिनल रक्सौल एक्सप्रेस मानिकपुर एवं लिंक जंक्शन केबिन के मध्य 30 मिनट के लिए नियंत्रित की जाएगी। इसके बाद दिनांक 8, 13, 19 एवं 26 फरवरी को ग्वालियर से प्रस्थान करने वाली 12176 ग्वालियर हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर एवं लिंक जंक्शन केबिन के मध्य 45 मिनट के लिए यह जो है नियंत्रित की जाएगी। इसके बाद 3, 10, 17 एवं 24 फरवरी को आगरा कैंट से प्रस्थान करने वाली 20976 आगरा कैंट हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर एवं लिंक जंक्शन केबिन में यह 30 मिनट के लिए रोकी जाएगी। दिनांक 7, 14 और 21 फरवरी को मथुरा जंक्शन से प्रस्थान करने वाली मथुरा जंक्शन हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर और इरादतगंज के मध्य में जो है 45 मिनट के लिए यह नियंत्रित की जाएगी। उसके बाद 4, 11, 18 एवं 20 फरवरी को इंदौर से चलने वाली 22911 इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस मानिकपुर से लिंक जंक्शन के केबिन के मध्य में जो है यह अभी 45 मिनट के लिए नियंत्रित की जाएगी। इसके बाद 4, 11, 18 एवं 25 फरवरी को पटना से प्रस्थान करने वाली 17610 पटना पूर्णा एक्सप्रेस को जो है मानिकपुर लिंक जंक्शन केबिन के मध्य में जो है 30 मिनट के लिए नियंत्रित की जाएगी। 24 और 26 फरवरी को पाटलिपुत्र से प्रस्थान करने वाली 12142 पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और करचा के मध्य में 60 मिनट के लिए नियंत्रित की जाएगी। 28 फरवरी को जो है हावड़ा से प्रस्थान करने वाली 12321 हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन करचा के मध्य में 120 मिनट के लिए नियंत्रित की जाएगी। वहीं 3 फरवरी से 28 फरवरी तक के लोकमान्य तिलक टर्मिनल प्रस्थान करने वाली 13202 लोकमान्य तिलक टर्मिनल पटना एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन केबिन के मध्य में 90 मिनट के लिए जो है यह नियंत्रित की जाएगी। उसके बाद जो है 3 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए गोंदिया से प्रस्थान करने वाली 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन के मध्य में जो है 90 मिनट के लिए यह भी जो है प्रस्थान की जाएगी। अब जिन ट्रेनों के बारे में बताएंगे उसका रूट में जो है वो परिवर्तन किया गया है। तो 5 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक जोधपुर बीकानेर की ट्रेन जो है 12308 22308 इन दोनों ट्रेनों को जो है इसके प्रस्थान में जो है बदलाव किया गया है। और वो बदलाव जो है जोधपुर बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों के मार्ग में जो है प्रयागराज जंक्शन से रामबाग वाराणसी जंक्शन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते से यह जो ट्रेन चलेगी। दिनांक 6
फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान करने वाली 12816 आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस परिवर्तन मार्ग वाया प्रयागराज जंक्शन प्रयागराज रामबाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते चलेगी। इसके बाद 5/2/2022 से 27 फरवरी तक के लिए हावड़ा से प्रस्थान करने वाली 12303 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के रूट में भी जो परिवर्तन किया गया है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जंघई जंक्शन प्रयाग जंक्शन के रास्ते से जो है यह ट्रेन चलेगी। इसके बाद 5 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक के लिए नई दिल्ली से प्रस्थान करने वाली 12304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस के रूट में परिवर्तन किया गया है। यह प्रयागराज जंक्शन से जो है जंघई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते से यह जो ट्रेन है ये चलेगी। तो एक तरह से कह लें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर जो है प्रयागराज तक के बीच में जो ट्रेनें हैं इसके रूट में जो है कई ट्रेनों के तो रूट में बदलाव किया गया है, साथ ही साथ कई ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाई जाएगी और कई ट्रेनों को जो है पूरी तरह से रद्द करने की बात जो है वह कही गई है। इसमें जो चीज़ें जो निकल कर सामने आई वो कहा गया है कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, इसके कारण जो है ट्रेनों के सुविधा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार और बिहार से जुड़े हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।